खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी के थाना भाव गांव क्षेत्र में रहने वाले एक गांव की युवती ने आज एसपी दफ्तर पहुंचकर एसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके गांव के ही उमेश जाटो पुत्र हरीश शंकर जाटो ने उनके साथ शादी का झांसा देकर 4 साल से लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। युवती ने आरोप लगाया है कि जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी तब वह मुझे दवा खिला देता था और मेरा गर्भपात करा देता था, जबकि उसने मुझे झूठा शादी का झांसा दिया था, जबकि उमेश पहले से ही शादीशुदा है। उसने शादीशुदा की बात मुझसे छुपा रखी थी और कहता है कि मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करूंगा। अब मुझे किसी भी हालत में रखना नहीं चाहता है, मेरे साथ काफी मारपीट करता है, जिसकी शिकायत हमने थाना भाव गांव में की। लेकिन युवती ने आरोप लगाया कि भाव गांव पुलिस ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं पुलिस अधीक्षक से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग करती हूँ। आज आप यहाँ एसपी साहब से मिलने आई, क्या समस्या है? मैंने पहले एप्लीकेशन दी थी, वहाँ एप्लीकेशन की मतलब कार्रवाई चलने की वजह से। मामला क्या था पूरा बताएं। मैंने एप्लीकेशन लगाने में रहा हूँ तो रहने वाले छाछे वो तो बोला है, और मैंने एप्लीकेशन यहाँ दी थी सीएम साहब के पास, उन्होंने मतलब कार्रवाई शुरू की। वहाँ से दरोगा ने मतलब वहाँ से पैसा ले लगा पे और मतलब कोटा फसला के वापस साइन करवा ले। नहीं, मामला क्या था, क्या मामला क्या था, शिकायत करनी पड़ी आपको? वो मैं 4 साल से रख रहा हूँ तो चुप्पा चोरी अम्मो ने पता थी वो शादी शुदा तो पहले से बाद में बताई। फिर मैंने कार्रवाई यहाँ से चालू करवाई, फिर वहाँ एप्लीकेशन गई थी। कहाँ पर? भोगाँव थाने यहाँ दी थी हमने, भोगाँव थाने का ये दरोगा है, बाने दलाली लेके पैसा लेके मेरी एप्लीकेशन वहाँ से कटवा दी। मैं पढ़े तो है ना, जो मुझे पता चले क्या क्या कह के रख रहा था लड़का वो? मुझे रह के रह रहा तो मैं कोर्ट मैरिज करेंगे बस, जैसे शादी कर कोर्ट मैरिज करेंगे। मैं रह रहा हूँ तो मैंने तो भरोसा कर रहा हूँ तो बस इतनी बात थी। और कोई बात थी? मारपीट करता था? हाँ मारते हैं। अभी दवा खवाई थी ना वो, तो फॉर्म में सब रिपोर्ट में लिखी है। अच्छा, क्यों खिलाई, काय की दवा खिलाई थी? प्रेगनेंट हो गई थी। अच्छा, कितनी बार दवा खिलाई थी? 4 बार खिलाई। और थाने में गई थी आप? थाने में गई थी, थाने वाले ने कोई सुनवाई ना करी थी तब तो यहाँ आए थे। क्या कहा थाने वालों ने? थाने वाले मुझे कह रहे थे रिपोर्ट कितनी कर ले, हम लोग तेरे संग में आ गए। क्या चाह रही थे? मैं जी चाह रहा हूँ मैं संग रहना चाह रहा हूँ बस घर में, कितनी बस कहना। कितनी बार आ चुकी हैं? कितनी बार यहाँ आ चुकी हैं? एसपी के यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं। मैनपुरी से गौरव पांडे की रिपोर्ट।